लाहौर में बहुत गर्मी थी, तो हम सारी फैमिली यहाँ कश्मीर में हैं, सब यहाँ पे आए और इन्जॉय करें, बहुत अच्छा यहाँ का मौसम है। मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पे, जितनी गर्मी लाहौर में थी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई इस जगह पर हूँ जहाँ पे इतनी खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है और इतनी ठंड है यहाँ पर कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और इतना खूबसूरत व्यू है हर तरफ, हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों को दावत दे रही हूँ कि वो कश्मीर विज़िट करें, इंशाल्लाह उन्हें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगेगा, तो वो गंगा चौटी आएँ, सदन गली आएँ, यहाँ पे आके उनको बहुत अच्छा फील होगा। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग कश्मीर आएँ, कश्मीर का विज़िट करें, यहाँ पे हाइकिंग करें, इंतहाई खूबसूरत जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत अच्छी से अच्छी जगह मिलेगी आपको, यहाँ पे ग्रीनरी मिलेगी, पहाड़ मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे, चश्मे मिलेंगे, आबशार मिलेंगे, मतलब अगर आप एक ऐसी जगह ना जहाँ पे आपको फुल एक पैकेज मिलेगा जहाँ पे आप इंतहाई इंजॉय करेंगे। और गवर्नमेंट से मैं साथ साथ मैं इतनी गुजारिश करूँगा क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत जगह है, एक्सप्लोर करने की जगह है, गवर्नमेंट से मैं इतना कहना चाहूँगा कि कम से कम यहाँ तक रोड बननी चाहिए जहाँ पे लोग इजीली आ सके, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ थोड़ी बहुत वो कहते हैं कि कमी है जो पूरी होनी चाहिए थी। इस्लामाबाद से इको हाइकिंग जो ये ट्रैक था ये हमने स्टार्ट किया था 24th को, हम बाग पहुँचे थे, उसके बाद 25th को हमने ये हाइकिंग स्टार्ट की थी जो हमने 13.75 किलोमीटर हम चलते रहे और फिर हमने रात को यहाँ पे स्टे किया। इंतहाई खूबसूरत जगह है, ये अनएक्सप्लोर्ड थी, हमने पहली बार इसको एक्सप्लोर किया और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी और आपको बोलूंगी कि आप यहाँ पे आएँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, पीर पंजाल रेंजेस में ही आती है और आप ज़रूर आएँ यहाँ पर और आके इन्जॉय करें।